सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। बंदरा प्रखंड के सिमरा पंचायत में श्री फतेह नारायण राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में बाढ़ राहत स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। बाढ़ राहत कैंप में स्वास्थ्य संबंधित मेडिसिन इत्यादि दवाओं का वितरण किया गया। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर नीतू कुमारी ने बताया कि सर्दी खांसी इत्यादि इमरजेंसी दवाएं हमारे पास उपलब्ध है और बाढ़ प्रभावित लोगों को निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये कैंप आगे भी चलता रहेगा। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राकेश कुमार झा की रिपोर्ट। मैडम, ये जो बाढ़ राहत स्वास्थ्य कैंप है, इस कैंप में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, लोगों को क्या क्या व्यवस्थाएं और किस किस चीज का दवा लोगों को यहाँ दी जा रही है, इस संदर्भ में कुछ बताइए। यहाँ जो भी बाढ़ ग्रस्त लोग हैं उनके लिए है ना, हमारे पास टोटल इमरजेंसी ड्रग है, जैसे ORS हो गया, मिकोनाजोल हो गया और पैरासीटामोल हो गया। सर्दी खांसी बुखार की दवा है हमारे पास, और जैसे पेट खराब का दवा हो गया, जो भी इमरजेंसी ड्रग है वो हमारे पास अवेलेबल है। मैडम, सिमरा पंचायत इस विद्यालय में जो आप हैं, श्री फतेह नारायण राजकीय मध्य विद्यालय है शायद, तो यहाँ जो मैडम आपका कैंप है, यहाँ से आप सिमरा पंचायत के कितने कितने नंबर वार्ड को देख रही हैं या सिर्फ बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसी को देख रहे हैं? नहीं, बाढ़ प्रभावित जो जा रही है मुझे यहाँ, एक तो सर क्षेत्र मतलब क्षेत्र सीमित नहीं है, यहाँ जो भी लोग आएंगे हम मेरे पास उनको दवा देना है। जो भी यहाँ है सिमरा पंचायत के टोटल, लगभग टोटल जितने वार्ड में वार्ड के लोग हैं सभी को दवा प्रोवाइड करवाना है हम लोगों को। ये हम लोगों को मतलब ये बैंडेशन नहीं है कि हाँ इतने लोग को ही दवा देना है, जो भी यहाँ आएंगे। और यहाँ तो काफ़ी लोग आ रहे हैं क्योंकि यहाँ सामुदायिक किचन भी है, तो यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं और हम लोग दवा दे रहे हैं उसको। लगभग एक दिन में लगभग 50 लोग आते हैं यहाँ पर, 50 से भी कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। सारे लोग को हम दवा हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं, हमारे PSC के द्वारा दिया जाता है। मैडम, PSC बंदरा के द्वारा हैं क्या आप लोग? जी सर। मैडम, इस तरह का जो कैंप है पूरे बंदरा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में लगाए गए हैं या सिर्फ सिमरा में ही? नहीं, और भी पंचायत में है, और भी पंचायत में जहाँ भी बाढ़ ग्रस्त है, जहाँ भी बाढ़ ग्रस्त इलाका है वहाँ लगाया गया है। जैसे उधर आपका सकड़ी हो गया, सकड़ी में भी हमारे PSC बंदरा के द्वारा कैंप लगाया गया है। इधर बगाही तरफ हो गया, जहाँ भी दवा की आवश्यकता है सारे जगह कैंप लगाया गया है। तो मैडम, ये कैंप कब तक रहेगा? जब तक आवश्यकता होगी लोगों को, अगर मेडिसिन की जब जरूरत है तब तक ये कैंप रहेगा। जैसे बाढ़ के बाद होता क्या है कि बाढ़ के बाद बहुत सारा है, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, तो उसके लिए भी यहाँ कैंप रहता है। बाढ़ के बाद भी कैंप यहाँ पे रहेगा। जी, अपना परिचय दे दिया जाए। मेरा नाम नीतू कुमारी हुआ, हम PSC बंदरा में RBS के NM के पोस्ट पर कार्यरत हैं।